गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कल हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्किन सिखा रहा था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से, तो उसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहले ये आपका बी आर अटैच हुआ है और ये रिएजेंट है सी एस थ्री होल थ्राइज सी ओ प्लस और के, ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग, उल्टा हो गया, यहां माइनस यहां प्लस, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट में बताओ मेरे को, ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो E1 के थ्रू जाएगा या E2 के थ्रू जाएगा, बस आप ये डिसाइड करो। ये तो हमें डिसाइड होगा कि इलिमिनेशन होना है, फर्स्ट हम ये डिसाइड करेंगे कि इलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, इलिमिनेशन इसमें होगा, रिएजेंट को देख के स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहा और एल्काइल हैलाइड रहा तो इलिमिनेशन होगा। अब मेरे को ये बताओ E1 के जाएगा कि E2 को जाएगा, तो देख के समझ में आ रहा है कि E1 को जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल होगा 3 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, मेरे को ये बताओ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट विल पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अब कहां जाएगा रीअरेंजमेंट होके। ठीक है, अब मुझे बताओ, दो आपको बताना है बीटा और ये बीटा डैश, चाहे मैं इसको बोलू या इसको बोलू बात बराबर है। अब मुझे बताओ मैं डबल बॉन्ड कहां बनाऊ, किस बीटा हाइड्रोजन को मैं निकालू, बीटा हाइड्रोजन को निकालू या बीटा डैश हाइड्रोजन को निकालू? अब मुझे देख के बताओ, बीटा को निकाल, बीटा हाइड्रोजन को निकाल के डबल बॉन्ड बनाऊं या बीटा डैश हाइड्रोजन को निकाल के डबल बॉन्ड बनाऊं? चलो दोनों बना लेता हूं, पहले बीटा को निकाल के बना रहा हूं, बराबर है क्या? ये हमने बीटा को निकाल के बना दिया, अब हमने बीटा डैश को निकाल के बना रहे, तो ये हमारा बीटा डैश है, बराबर है, ये हमारा बीटा डैश है, ये बीटा डैश के साथ, बीटा डैश के साथ डबल बॉन्ड बनाया और ये बीटा के साथ बनाया, दोनों बना देंगे। हमने इस हाइड्रोजन को चुना, हमने इस हाइड्रोजन को चुना और हमने इस हाइड्रोजन को चुना, यही है ना हमारा काम। अच्छा, इस हाइड्रोजन को हमने क्यों नहीं चुना, तो इसलिए नहीं चुना कि ये और ये क्या है, सिमेट्रिक है ना, दो ही डिफरेंट थे, एक ये था और एक ये था, तो इसके द्वारा ये प्रोडक्ट बना और इसके द्वारा ये प्रोडक्ट बना। अब मेरे को बताओ मेजर कौन है, ए और बी में मेजर कौन है, विच वन इज मेजर, विच वन इज मेजर, ए इज मेजर, यही आपको काम करना है, समझ में आ गया ना, ये मेजर है। क्यों? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कह रहा हूं कितने अल्फा एच है बाजू में, 3 अल्फा है, 3, 3, 6, 3, 9, 9 अल्फा एच। इसके बाजू में ये 2, 4 अल्फा एच, तो हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट वन इज मेजर और दिस वन इज माइनर, तो दिस वन इज सेज्जेफ रूल, सेज्जेफ रूल के अकॉर्डिंग है और दिस वन इज हॉफमैन, बराबर है क्या? तो सेज्जेफ अब देखो सेज्जेफ रूल, तुम्हें सेज्जेफ रूल ये डिसाइड करने के बाद तब बोलना है सेज्जेफ रूल, ध्यान रखना इस चीज को, यानी कि सेज्जेफ रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ये पाथ जियो लॉजिक से इस पे आओ, नहीं कि इस पे, ये कोई रूल है, प्रिंसिपल नहीं है, ये हर बार सही नहीं कर देगा, ये एक रूल बना दिया गया, ये नहीं कि हर बार सही करेगा, ये हर बार सही करेगा ऐसा कोई जो नहीं है, रूल है, नॉट ए प्रिंसिपल। ये बनाने के बाद तब हम बोल देंगे सेज्जेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने बोला है, बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रिएजेंट को भी पहचानते रहना है, केवल एल्कोहलिक से नहीं होगा, एल्कोहलिक केवल नहीं होगा, इससे भी जानना है। अब देखो ईटी C2H5OH इथेनॉल और ETONA, ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है ना, जो कि NaOH माइनस और प्लस से मिलकर बना है, तो ये NaOH सॉल्ट से मिलकर बना हुआ और ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है। तो जब भी ऐसा रहेगा अल्कोहल और आपका सॉल्ट और ये किससे मिलकर बना होगा, C2H5OH प्लस NaOH से मिलकर बना होगा, ये जब दोनों मिले होंगे तो C2H5ONA,
क्योंकि ये एच लूज किया होगा और ये ओ एच लूज किया होगा, ये एसिड और ये बेस मिलके बना सॉल्ट और यहाँ वाटर रिमूव हो गया होगा, तो ये यही दिया गया है। तो हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। अब मुझे इसका प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि रिएजेंट देख के पहचानो कि इलिमिनेशन हो रहा है, तो इस चीज को शॉर्ट नोट्स लिखते जाओ। कैसे शॉर्ट नोट्स लिखोगे? ये रिएजेंट इलिमिनेशन करवाता है, इलिमिनेशन के बाद हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि कार्बोकेटायन E1 के थ्रू जाए कि E2 के थ्रू जाए। हम यहाँ E1 के थ्रू लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 डिग्री बन रहा है। मुझे अब ये बताओ शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं है, शिफ्टिंग इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आप बताओ, क्योंकि ये सब काम आपको करना है, हम तो एक बार बस बताएंगे। यहाँ बताओ मेरे को शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं है, सारे बताओ, यानी कि आराम से बैठ के बस न्यूज देख रहे हैं, ये सारे बताओ कि शिफ्टिंग पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। इधर जाएगा तो 1 डिग्री, इधर जाएगा तो 2 डिग्री होगा ना। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ यहां वाला हाइड्रोजन हटाओगे कि यहां वाला हाइड्रोजन हटाओगे, अल्फा वाला कि अल्फा डैश वाला, किस हाइड्रोजन को तोड़ के डबल बॉन्ड बनाओगे, किस हाइड्रोजन को तोड़ के डबल बॉन्ड बनाओगे। दोनों को हम तोड़ के बना रहे हैं, ये मैंने अल्फा को तोड़ के बना दिया और ये हमने अल्फा डैश को तोड़ के बना रहा हूं। अगर अल्फा डैश को तोड़ के बनाऊंगा तो यहां डबल बॉन्ड लगेगा, और अल्फा को तोड़ के बनाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड लगेगा, ये बना और ये बना। अब मुझे बताओ ए और बी में कौन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। तो सबको अब दिख रहा है कि अल्फा एच यहां चुनेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पाथ बार बार वही हमें चुनना है, तो ये चीजें हमें लर्निंग हो जाता है कि क्या हमें कैसे डिसाइड करना हो, कि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कैसे हम डिसाइड कर, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें हमें उस फेमिलियर होने लगते हैं, उस पाथ पे जाने लगते हैं, समझ में आ जाता है कि हमें ये चीज डिसाइड करना है। और ये केवल यही मत लगाओगे, जहां भी तुम्हें मेजर माइनर डिसाइड करना होगा तो जरूर देखोगे क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या क्या हाइपर हो रहा है, क्या क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहां मिसिंग हो गया है, 1 2 3 4 5 वन कार्बन मिस हो गया है, 1 2 3 4 5 6 अच्छा 1 2 3 4 5 एक और है, बरोबर। चलो यहां लगा देते एक और, ये हमारा प्रोडक्ट ठीक है, ठीक है। अब यहां हमारा बना, अच्छा आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा रिएजेंट बेसिक कैसे है। अच्छा रिएजेंट बेसिक कैसे है, बरोबर। अब एक बात है कि तुम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली देखो क्या होता है, थोड़ा समय बता दे रहा हूं क्या होता है। अगर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख लेना, हालांकि आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, और ये सॉल्ट न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, हम आयनिक में बात करते हैं, इसके हाइड्रोलाइसिस में बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, मैं इधर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं ठीक है, जैसे HCl और NaOH, यहां बना NaCl प्लस H2O, ध्यान देना, इधर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, वीक बेस है, तो ये मत बोलना कि जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, नहीं, ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग बनता है और ये सॉल्ट एसिडिक होगा, यानी सॉल्यूशन विल बी इन एसिडिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और यहां ले लेते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो यहां जो सॉल्ट बनता है NH4Cl और प्लस वाटर, ये सॉल्ट जो होता है ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा और ये सॉल्ट एसिडिक होगा, इसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा और इसका pH जो होगा वो इक्वल टू 7 होगा। अब हम लेते हैं वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं,
उल्टा, तो सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक बनता है, एसिडिक बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड, एसिटिक एसिड ले लो, बराबर है क्या, या अल्कोहल ले लो, फॉर्मिक एसिड ले लो, हम ऑर्गेनिक वाला ज्यादा बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो बहुत सारा कार्बोनिक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लो, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, CH3COONa, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, जो कि अभी डीमर्क्यूरेशन में एसीटेट आया भी था, SC इसको लिखते हैं सोडियम एसीटेट। अब ये जो बनेगा ये बेसिक बनेगा, बेसिक और ये एसिडिक, तो बेसिक बनेगा तो pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। अगर दोनों वीक रहा, वीक एसिड और वीक एसिड रहा, दोनों वीक रहा, तो जो सॉल्यूशन बन, जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल बनेगा। और ये भी एक डिसाइड करता है कि वो उसका कंसंट्रेशन कैसा है, तो यहां पर थोड़ा सा हम कंसंट्रेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहां मैं लिख रहा हूं, वीक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड ही लेते हैं, एसिडिक एसिड ले लेते हैं, और वीक बेस है तो वीक बेस कोई भी पकड़ लो, NH4Cl ही पकड़ लेते हैं, सॉरी NH4OH ही ले लो। अब ये जो बनता है CH3COONH4 और वहां वाटर बनता है, ये मान के चलते हैं इक्वल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ pH न्यूट्रल बना, 7 बना। अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले इसको लर्न कर लो, दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, दोनों वीक रहेगा तो न्यूट्रल बनेगा, दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्ट्रॉन्ग वाला नाम जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो एसिडिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो ये बेसिक होगा, यहां बेसिक बनेगा। दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसका नाम लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, दोनों वीक है तो न्यूट्रल। अच्छा ये तो हम समझ में आ गया, अब आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सोल्ट दे दिया जाएगा, तो जब जब आपको सोल्ट दिया जाएगा तब तब आप इसके पेरेंट्स के पास जाओगे, कहां से जनरेट होके आया है, जैसे NaCl दे दिया जाएगा, ये सोल्ट है तो आप जाओगे ये कहां से मिलके बना हुआ है, जब इसके पास जाओगे तो ये डिसाइड कर देगा कि क्या है। अब जैसे हम यहां पर जा रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़े टाइम के लिए, अब मैं यहां जा रहा हूं, ये ईटी है, ईटी बोले तो C2H5, ईटी बोले तो C2H5, ये C2H5ONA है, ये कहां से बना होगा, ये बना होगा इथेनॉल से, ये सॉल्ट है, ये वाला दे दिया, ये वाला, तो हम कहां से बना होगा इसके पेरेंट्स के पास जाएंगे, C2H5OH इथेनॉल, और यहां ले लेंगे हम NaOH बेस, इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट। अब यही डिसाइड होगा कि ये सॉल्ट कैसा है, तो दिस वन इज वीक एसिड, वीक होता है, दिस वन इज वीक एसिड और दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब मुझे बताओ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्यूशन क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ये क्लियर हुआ गया, तो ये थोड़ा सा पार्ट इनऑर्गेनिक क्या होता है, आयनिक क्या होता है। तो जब जब सॉल्ट दिया जाएगा तब तब अब कहां जाओगे, उसके पेरेंट्स, वो कहां से मिलके बना हुआ है, तो एक्चुअली में ये इनसे मिलके बना हुआ है, और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक है। इसको लिख लो सारे कहीं, इसलिए कि ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आएगा तो वहां पर सॉल्ट दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सॉल्ट है क्या, और ये भी सॉल्ट है, देखो ये वाला भी सॉल्ट है, ये कहां से मिलके बना होगा, ये भी सॉल्ट ही है, ये कहां से मिलके बना होगा, ये कुछ ऐसा मिलके बना होगा, देखो CH3 और यहां एक C है और यहां क्या O है, तो इसके पहले पेरेंट्स के पास जाओ कहां से मिलके बना होगा, तो ये टर्शरी अल्कोहल है, ये 3° अल्कोहल है, और ये K है तो ये KOH लिख देंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, ये जितने भी ऑर्गेनिक वाला होते हैं सब वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके क्या बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसका नाम लेने का, तो स्ट्रॉन्ग वाला का क्या नाम लोगे, ये दिस वन इज फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुआ तो न्यूट्रल बोलोगे, दोनों वीक हुआ तो न्यूट्रल बोलोगे,
दोनों में से कोई एक स्ट्रांग हुआ तो स्ट्रांग वाला का नाम लेने का। अब यहां पर पहले ये सोल्ट है, सोल्ट से पेरेंट्स निकाल दिए, यानी एसिड और बेस को हम अलग अलग कर दिए। तो ये हमारा एसिड हो गया और ये बेस हो गया। अब डिसाइड कर लेंगे सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक डिसाइड करना है, इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जो नोट्स हमने हैंड रिटन सेंड किया उसको ओपन करके रखो। जो हमने नोट्स सेंड किया उसको ओपन करके रखने का, क्योंकि उसी में से मैं सारा चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको कहीं बुक से लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम ये बुक पढ़ रहे हैं वो बुक पढ़ रहे हैं, वो सारा बुक से ही लिखा हुआ है। उसी शॉर्ट नोट्स को खुद अपने से लिखने का, बाकी और कुछ नहीं करने का है, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का, टाइम ज्यादा उस पर थ्योरी पे नहीं देने का कि ये पढ़ रहे हैं। उतना शॉर्ट नोट्स तैयार करके हमने दिया है, वो आप प्रिपेयर करोगे, आप खुद उसका शॉर्ट नोट्स लिखोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट पॉइंट पे जो थे, ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट था BR, यही था ना 2, 4, 6। अब यहां पर लिखा हुआ था ETOH का मतलब समझ में आ गया ना, ME मतलब CH3 और ET मतलब मिथाइल और इथाइल C2H5, और यह OH है। और ETONA मतलब ये क्या लिखा हुआ है, C2H5ONA, और ये क्या लिखा हुआ है, C2H5OH लिखा हुआ है, ध्यान रखना है चीज को। अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया था इसमें, तो ध्यान देना क्या प्रोडक्ट बनाया था। अच्छा मेरे को ये बताओ, तो डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं और डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा मेरे को ये बताओ, इनमें ए और बी में ये E1 के थ्रू जाएगा, तो फर्स्ट वी डिसाइड, सारा स्टेप्स खुद लिखोगे कि कैसे हमें जाना है, हवा में नहीं तैरना है कि कैसे क्या करें हम क्या नहीं करें। पहले पहचानो कि ये इलिमिनेशन होने वाला है, यदि एजेंट देख के पहचानना है कि हमें इलिमिनेशन होने वाला है। इलिमिनेशन में E1 होता है और E2 होता है, और ये कौन सा इलिमिनेशन है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक समझ में आ जाता है, वो ज्यादा ये एसिड डेरिवेटिव होता है न्यूक्लियोफिलिक वाला में, तो वह हम अलग पढ़ाए भी नहीं है और आगे जानना है हमें। तो ये इलिमिनेशन है, आप डिसाइड करोगे, डिसाइड हो जाएगा उसके बाद कार्बोकेटाइन बनाना है कि नहीं बनाना है, शिफ्टिंग करना है कि नहीं करना है, सब स्टेप्स लिखोगे। शिफ्टिंग नहीं करना है, अब इस हाइड्रोजन को उड़ाए कि इस हाइड्रोजन को उड़ाए, दोनों उड़ा के देख लो। अब मुझे बताओ ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, सॉरी मेजर प्रोडक्ट कौन है, ए और बी में मेजर प्रोडक्ट कौन है, ए और बी में मेजर प्रोडक्ट कौन है। तो यहां हम अल्फा एच देखेंगे, अल्फा एच कितना है 2, यहां कितना है 2, यहां अल्फा एच चेक करेंगे, यहां अल्फा एच कितना है। उस समय एक हाइड्रोजन नहीं लिखा था ना, तो गलती आएगा उसका आंसर, बराबर है क्या, वहां पर हमने 5 ही हाइड्रोजन लिख दिया था, लिखा था ना, एक्चुअली में 6 हाइड्रोजन है ये, तो उसका आंसर इसका आंसर अलग आएगा, 5 ये 6 हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ यहां अल्फा एच कितना है, 4, 4 अल्फा एच, और यहां पर कितना है 5 अल्फा एच है ना, 3 यहां 2 यहां, कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बहुत जनों ने भेजा भी है, रक्षिता प्रज्वल अहमद अली, सारे एक्टिव रहो, सारे क्वेश्चन का आंसर करो। तो ये मत सोचो कि अगर 5 होता यहां BR और ये सेम होता तो इसका मेजर प्रोडक्ट अलग होता, ये हम लगाते और यहां पर हम ये लगाते, ये टूटता और ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनता और ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनता, इसके साथ बनता तो ये बनता और इसके साथ बनता तो ये बनता, यहां मेजर ये होता। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा यहां है और 2 अल्फा यहां है, 5 अल्फा, और यहां पर 2 अल्फा यहां है, बराबर है क्या।
तो यहां मेजर ये होता, लेकिन यहां मेजर ये है और ये माइनर है। समझ में आया गया? तो बी केयरफुल। अब मुझे बताओ, मैं दूसरा वाला का हटा रहा हूं, अब मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट मिले, मेजर और माइनर नहीं बोलना आपको, टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें, ये वाला क्वेश्चन में टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, माइनर और मेजर का नहीं बोलना है कि मेजर क्या है माइनर कौन है, टोटल प्रोडक्ट पूछा गया आपसे, टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। हाँ, श्रेयस यादव का भी आंसर सही है, सोहम तीन नहीं चार होगा, तीन होगा, चार होगा। देखो कैसे, दो तो ये तुम्हें दिख रहा है ना, नोमेनक्लेचर कैसे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 पेंट थ्री एनी, ये पेंट थ्री एनी है, 1 2 3 4 5 6 हेक्स थ्री एनी, हेक्स थ्री एनी, और ये क्या है, हेक्स टू एनी है ना, हेक्जीन। यहां तो दो तुम्हें दिख रहा है, टोटल प्रोडक्ट पूछे इंक्लूड स्टीरियो मेरिजम। अब देखो यहां से, यहां से ध्यान देना, ये यहां पर और यहां पर डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगा दो और एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, एक यहां हाइड्रोजन लगा दो और एक यहां हाइड्रोजन लगा दो। अब तुम्हें सिस और ट्रांस नजर आ रहा है, अब मुझे बताओ ये कंपाउंड सिस है कि ट्रांस है, ये सिस है कि ट्रांस है, श्रेयस यादव सही है, और बाकी ये सिस है कि ट्रांस है, ट्रांस है, ट्रांस है ना, तो इसका सिस कैसे बनाओगे, इस दोनों कार्बन को पकड़ो और इसको दोनों एक तरफ लिख दो, एक दो दो एक ही तरफ लिख देना इसको, ठीक है, तो हम जैसे मर्जी करो वैसे लिख सकते हैं, दो यहां लिख देते हैं, दो यहां लिख देते हैं यहां पे। तो देखो ये सिस हो गया, दिख रहा है ना सिस, और ये ट्रांस है, ट्रांस दिख रहा है सबको ना, और ये सिस है, मतलब ये कंपाउंड दोनों सेम है, लेकिन ये एक सीस है और एक ट्रांस है, ये सीस है आपका, इस कार्बन के लॉन्ग यहां हाइड्रोजन है, बराबर है क्या, ये सीस है और ये ट्रांस है, कंपाउंड दोनों एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, बराबर है क्या। अब यहां ध्यान देना, यहां भी दो बनेगा, एक सीस और ट्रांस, ये बताओ मेरे को ये क्या है, सीस है कि ट्रांस है, ये सीस है कि ट्रांस है, ये भी ट्रांस है ना, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये देखो पकड़ो इसको, ये और ये अपोजिट साइड है कि नहीं है, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है एक इधर है। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ है, एक हाइड्रोजन भी है यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन भी है। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के लॉन्ग दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है ना, और ये क्या है, अपोजिट है, ये ट्रांस हो गया है कि नहीं है, ट्रांस सेम वही, ऐसा भी देखना है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये और ये, ये और ये, ट्रांस हो गया ना ये, और ये सिस हो गया। तो इसका हम सिस कैसे लिखेंगे, तो इस दोनों कार्बन को ऐसे लिख दो, और एक कार्बन इधर है, और ये जो है उसको कितने कार्बन है, एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे लिख दो, या जैसा मर्जी करे नीचे भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका मर्जी है, ये आपको उसमें मिलेगा एग्जाम में लेके मिलेगा। तो ये सीस हो गया, अच्छा इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो बस इसके पहले ट्रांस लगा देने का और इसके पहले सीस लगा देने का, सिक्स सीस हेक्स थ्री एनी, और यहां लिख देने का सीस सीस हेक्स टू एनी। तो देखो चार नाम आ गया हमारे पास, एक दो तीन चार, इसीलिए कितने कंपाउंड मिलेंगे, चार, ठीक है। तो मैं आपको एक एक टाइप बता रहा हूं, उसमें जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया हूं उसमें बस आपको मेजर और माइनर और सीस और ट्रांस लिख के दिया हूं, लेकिन टोटल प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे, मैं शॉर्ट में वहां लिख के दिया हूं सीस और ट्रांस, जो नोटबुक में दिया हूं पेज नंबर सेकंड पे देखना, उस पे लास्ट लास्ट सबसे नीचे
सबसे नीचे जो है वो आपका वहीं लिखा हुआ है सीसो ट्रांस, तो बी केयरफुल। तो अगर हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा तो जो मेजर होगा उसको हम रिजियो सेलेक्टिव बोलेंगे। अगर मान लो एक ही मिला वही मेजर है तो हम रिजियो स्पेसिफिक बोलते हैं, मतलब एक ही मिला हमें। तो रिजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि मेजर कौन है। अगर रिजियो स्टीरियो बोल दिया यानी उस मेजर में स्टीरियो देखना है आपको है कि नहीं है, मेजर में लेकिन देखना है। अगर ऐसा बोल दिया स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, तो स्टीरियो सेलेक्टिव जैसे ही बोल देगा तो आपको केवल मेजर में देखना है, मेजर में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है। तो लिख लेना दोनों वर्ड, रिजियो सेलेक्टिव का मतलब हुआ मेजर प्रोडक्ट माइडन नको, और स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब हुआ मेजर में आपको क्या देखना है, स्टीरियो केमिस्ट्री देखना है, माइनर में नको। अगर ऐसा लिखा तो हमने आपको नोट्स में लिख के दिया है, इन एडिशन टू बीइंग रिजियो सेलेक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड, सारे पढ़ना थर्ड पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड इज स्टीरियो सेलेक्टिव एंड फेवर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल आइसोमर्स। अब मुझे ये बताओ, इससे पहले जो क्वेश्चन आप बनाए थे ए और दो बी बना था और ए ज्यादा स्टेबल था, अब मुझे बताओ सीस और ट्रांस में मेजर किसको चुनोगे, स्टीरियो सेलेक्टिव किसको चुनोगे, आप सीस को चुनोगे या ट्रांस को चुनोगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सिक्स वाला दिया था उसमें आप दो प्रोडक्ट बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक आप ये प्रोडक्ट बनाए थे और एक प्रोडक्ट आप ऐसे बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रोडक्ट बनाए थे, एक सीस बनाए थे एक ट्रांस बनाए थे। ये तो माइनर में था, ये तो माइनर में था और ये मेजर में था। यही था ना मेजर में कि लास्ट वाला था, मेजर में लास्ट वाला था शायद, ये वाला था मेजर में, ये वाला था ना, ये मेजर में था, एक एक दो तीन, एक दो तीन ये मेजर में था शायद, बी वाला मेजर में था ना। अच्छा मान लो ये मेजर में है, यहाँ कितना अल्फा एच हो गया, दो दो चार, यहाँ कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, ये मेजर में था इससे पहले वाला क्वेश्चन में। अब माइनर में दो था सीस और ट्रांस, और मेजर में दो सीस और ट्रांस, तो बताओ अब इसमें स्टीरियो सेलेक्टिव किसको बोलोगे, सीस को बोलोगे ट्रांस को बोलोगे, तो हम ट्रांस को बोलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, रिपल्सन, दोनों एक ही साइड है ना, दोनों ऐसे निकला हुआ है, दोनों ऐसे निकला हुआ तो क्या होगा, रिपल्सन करेगा। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ग्रुप दूर दूर है तो उनमें रिपल्सन कम होगा, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन विल बी लेस, दैट्स व्हाई ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस। तो इसी को बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव, मतलब मेजर में भी सीस और ट्रांस आपको चुनना है। तो वहां पर लिख लेना नोट्स में, हालांकि मैं आपको लैंग्वेज में लिख के दिया हूं, उसको नोट्स में आप लिखना यहां पे, एक बार नोट्स बना लोगे तो बाकी नोट्स अलग से प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ये नोट्स एनफ है। क्वेश्चन भी हमने लिख के दिया है आपको और उसमें लैंग्वेज में भी लिख के दिया हुआ है, तो बाहर से कहीं बुक से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स खुद लिख लो इससे देख के और डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब C2H5ONa, देखो वहां ET लिखा हुआ था, यहाँ C2H5 लिखा हुआ है, तो बात एक ही है, और C2H5OH। अब मुझे बताओ सेट्जेब प्रोडक्ट लेके और हॉफमैन प्रोडक्ट लेके, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से देख के बताओ, पेज नंबर 3 पे है लिखा हुआ, लेकिन आप यहां करके बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। बराबर है, लिख दिए प्रोडक्ट। अब इस रिएजेंट को देख के बेसिक सॉल्यूशन और एल्कोहल है,
देख के समझ में आएगा कि इलिमिनेशन होगा। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड यहां लगाओगे कि डबल बॉन्ड यहां लगाओगे। चलो मैं बीटा लिख रहा हूं, बीटा हाइड्रोजन और बीटा डैश हाइड्रोजन। मुझे बताओ डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, ये E1 के थ्रू जाएगा, डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, बीटा पे या बीटा डैश पे, बीटा पे लगाओगे या बीटा डैश पे लगाओगे, कहां लगाओगे, बीटा डैश पे। ठीक है, तो यहां CH3 और CH डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा CH3 और ये CH3। तो रिएजेंट को देख के पहचान लेना है कि ये जो रिएक्शन है वो आपको इलिमिनेशन को जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना यहां पे, जैसे ही उनके जगह पे वाटर लिख दिया जाए, वाटर लिख दिया जाए, हमने इलिमिनेशन में आपको बताया था, अब जैसे ही वाटर लिख दिया जाए और यहां हीटिंग दे दिया जाए, थोड़ा ज्यादा हीटिंग है ये, क्योंकि ये अब H2O लिखेगा तो यहां प्रोडक्ट इलिमिनेशन मत लिख देना, ये SN2 के द्वारा, सॉरी SN1 के द्वारा जाएगा और यहां क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के नोट्स में डाला हूं वहां पे, ताकि आप समझ पाओ कि यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ये जो वाटर लिखा हुआ है इसका OH वाला पार्ट यहां अटैक करके ये सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो दिस वन इज SN1 मैकेनिज्म और दिस वन इज E1 मैकेनिज्म। तो कब E1 करवाना है, कब SN1 करवाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रिएजेंट देख के पहचानेंगे हम, रिएजेंट देख के पहचानना है कि SN1 को जाना है कि हमें E1 को जाना है। तो जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को वहां पर आपके नोट्स में डाला हूं, ठीक है। तो कहां कहां हम E1 को जाएंगे, तो मैं पेज नंबर 3rd पे मैं नीचे लिख के दिया हूं। अगर C2H5 और OH है और हीटिंग है तो हम ये E1 या E2 के थ्रू जाएंगे, यानी इलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे। वो E1 E2 तो हम देख के पहचानेंगे, लेकिन रिएजेंट जैसे हम ये होगा एल्कोहलिक इथेनॉल या एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH और हीटिंग होगा, तो समझ जाना है कि हमें E1 और E2 के थ्रू जाना है, SN1 के थ्रू नहीं जाना है। अगर मान लो C2H5 ONA रहेगा और C2H5 OH रहेगा, तो हमें E1 E2 के थ्रू जाना है। यहां पर गलती मत कर देना कि SN1 के द्वारा चला जाएंगे, बाद में जब आगे चल के मिक्सिंग होगा क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा कि इलिमिनेशन करूं कि सब्स्टिट्यूशन करूं। तो ये रिएजेंट देखते ही आपको बोल देना है कि इलिमिनेशन होना तय है। वह ये रिएजेंट जैसे ही देखोगे, अब वाटर देख लिए तो सोच लो, और ऐसे भी अगर अल्कोहल है तो मैं कई बार बोलता हूं अल्कोहल इलिमिनेशन का ही काम करता है। अल्कोहल अगर देख लिए तो सोचो इलिमिनेशन होना तय है। अगर वाटर देखे और वैसा ही कुछ दिख रहा है, देखो C2H5 यहां भी लिखा हुआ है और हीटिंग, समझ में नहीं आया कि SN1 कराऊं कि E1 कराऊं, ये कंफ्यूजन हो जाता है। और यहां जैसे वाटर दिखे तो सोच लेना है कि यहां सब्स्टिट्यूशन करवाना है, इस कंफ्यूजन से बचना है। तो इसलिए मैं नोट्स वहां लिख के दिया हूं, तो खुद से इस चीज को एनालिसिस करो कि हमें कब SN1 को जाना है, कब इलिमिनेशन को जाना है, ठीक है। तो ये सब रिएजेंट को देखना पहचानो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप प्रोडक्ट लिखोगे, थोड़ा फास्ट प्रोडक्ट लिखोगे क्योंकि उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, जानबूझ के मैं रिपीट करके दिया हूं ताकि आप इलिमिनेशन उसके क्वेश्चन को पहचानो, रिएजेंट को पहचानो। अब यहां लिखा हुआ है इथेनॉल C2H5OH और हीटिंग लिखा हुआ है, और हीटिंग में 228 केल्विन। आपको प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है, नोमेनक्लेचर भी करना उसका, वो भी करना इंपॉर्टेंट है। तो आप उसका नाम भी लिखना, ठीक है। आप पेज नंबर 4 पे आ जाना, ये सारा क्वेश्चन पेज नंबर 4 का है। तो खुद से प्रोडक्ट लिखो पहले, ये फटाफट प्रोडक्ट लिखो इसका।
मैं इस क्वेश्चन को एक साथ लिख के इसलिए दिया हूं ताकि आप रिएजेंट को पहचानो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि रिएजेंट को देख के समझ में आएगा कि हमें करना क्या, एलिमिनेशन करना है या हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके बाद ना हम देखेंगे कि हमें मेजर क्या लिखना है, माइनर क्या लिखना है, कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग कराना है कि नहीं कराना है, कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके बाद का डिसाइड करने वाला होगा। लेकिन पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जल्दी से इनका प्रोडक्ट लिखो, ये लास्ट है आपका एल्काइल हैलाइड का। तो देखो यहाँ पर C2H5 और हीटिंग लिखा हुआ है और यहाँ एल्काइल हैलाइड है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इलिमिनेशन होने वाला है। और यहाँ कौन सा होगा इलिमिनेशन, E1 होगा, क्योंकि टर्शियरी बनेगा। तो मैं अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसको हटाऊंगा, इन तीनों में से कोई किसी एक का हाइड्रोजन हटा दूंगा, क्योंकि ये तीनों सिमेट्रिक है। तो मैं ऊपर वाला का हाइड्रोजन हटा दे रहा हूं और वहां डबल बॉन्ड बना दे रहा हूं। नाम लिखने के लिए लिख लोगे इसका 1, 2, 3, 2-methyl-methanethane-propane, 2-methyl-methanethane-propane, prop 2-ENE, 2-methyl-prop-2-ENE, इसका नाम भी लिखना है, बरोबर है। और यहां हम ज्योमेट्रिकल नहीं देखेंगे, दोनों ग्रुप सेम है। यहां भी आप देख के पहचानो C2H5 है और वाटर है। अब यहां पर इलिमिनेशन मत करवा देना, ठीक है, यहां इलिमिनेशन नहीं होगा, यहां क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा और यहां लग जाएगा OH। अच्छा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन का, तो यहां पर OH इसको हटा के OH लग जाएगा, तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगा और ये सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, SN1 होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बनेगा। तो ये रिएजेंट देख के पहचानना है, देखो एक ही जैसा दोनों आ गया C2H5, थोड़ा सा हीटिंग ये ज्यादा है, वाटर दिखे तुरंत सब्स्टिट्यूशन करना है। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH दिखे, अब यहां X है, अब इसको हटाना है और यहां पर क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है, बराबर है, इसको हटाना है और डबल बॉन्ड लगा देना है। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, ये सिमेट्रिक टाइप का है, यहां पर हटाना है, डबल बॉन्ड लगा देना है, क्योंकि ये सब इलिमिनेशन होगा। अब डबल बॉन्ड यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो एक डबल बॉन्ड मैं यहां लगा दे रहा हूं और एक डबल बॉन्ड जो है मैं यहां लगा रहा हूं, कहां पे, इसके साथ एक हाइड्रोजन इसको मैं हटा दूंगा और एक हाइड्रोजन इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो एक मैं इसको जब हटाऊंगा तो CH3CH और CH डबल बॉन्ड CH2, बराबर है। तो दिस वन इज मेजर और दिस वन इज माइनर। अब ये क्यों, तो देख के समझ में आ रहा, अल्फा H, अब कितना परसेंटेज बनेगा ये, तो मैं उसमें नोटबुक में आपको लिख के दिया हूं। अच्छा, एक चीज और समझना, यहाँ पे यहां वाला, यहां सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, ये डबल बॉन्ड भी बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन लेकिन पेज नंबर 4 पे देखो मैं क्या लिखा हूं, ये 36% है और ये 64% है, इसीलिए हम प्रीफर किसको करते हैं, SN1 को। ऐसा नहीं कि इलिमिनेशन नहीं होगा, तो ऐसे रिएक्शन में इलिमिनेशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है, लेकिन मेजर में सब्स्टिट्यूशन होता है। ये 64% है और ये 36% है, तो बी केयरफुल यहां वाला क्वेश्चन पे, जब वाटर लिखेगा तो वाटर लिखेगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाना है, बनेगा दोनों लेकिन ये मेजर होगा, मैं परसेंटेज लिख के वहां दिया हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर इस दोनों में, यहां पर ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, होगा ना। अब यहां ध्यान देना इस पे, ये BR की जगह वही वाला क्वेश्चन है, अब या तो यहां डबल बॉन्ड लगाओ या तो यहां डबल बॉन्ड लगाओ, ये हो जाएगा ना, बस हमने रिएजेंट चेंज किया है, तो रिएजेंट चेंज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मैकेनिज्म वही जाएगा, डबल बॉन्ड वही लगेगा, एक डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां लगेगा। तो अब हम डिसाइड कर लेंगे कि मेजर कौन है हमारा, तो दिस वन इज मेजर। अब यहां है, ये अभी अभी करवाया, तो रिएजेंट देख के पहचानना है कि हमें इलिमिनेशन करवाना है, डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे, इसमें भी दो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं,
CH3 और CH डबल बॉन्ड CCH3 और CH3 और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CCH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये 30% है और ये 70% है, बराबर है, और ये जो है वो 81% है और ये जो है 19% है। इसलिए मेजर तो हम देख के परसेंटेज थोड़े ना याद रखेंगे, हम लॉजिकल डिसाइड करेंगे विच वन इज मेजर। तो दिस वन इज मेजर, मैं परसेंटेज डेटा समझने के लिए लिखवाया हूं कि कौन मेजर में है कौन माइनर में है, ऐसे हम लॉजिकल डिसाइड कर लेंगे कौन मेजर है कौन माइनर है। ये 70% है और ये 30% है, ये 64% है, ये 36% है। इसका मतलब हम SN1 सब्स्टिट्यूशन को चुनेंगे, इलिमिनेशन को नहीं चुनेंगे। यहां हम इलिमिनेशन को चुनेंगे, लेकिन दिस वन इज मेजर दिस वन इज माइनर। यहां हम सब इलिमिनेशन को चुनेंगे, दिस वन इज मेजर दिस वन इज माइनर, अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन, दिस वन इज माइनर दिस वन इज मेजर। तो हाउ टू डिसाइड, तो इसमें तीन चीजें आपको लॉजिकल समझने की पहले कोशिश करना है, क्या कि हमें इलिमिनेशन के थ्रू जाना है, ये पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताएगा। हाउ टू फाइंड परसेंटेज, ये हमें परसेंटेज डेटा नहीं पूछेगा, ये आपको डेटा नहीं पूछेगा कि कितना डेटा है, आपको बस मेजर माइनर पूछेगा। कभी क्वेश्चन में डेटा नहीं पूछता है कि परसेंटेज किसका ज्यादा है, वो लैब में निकाला गया है कि कितना परसेंट मिल रहा है कितना नहीं, हमें यहाँ पर उसका कैलकुलेशन पढ़ना भी नहीं है कितना परसेंटेज मिलेगा। बस मैं बताने के लिए बता दिया कि 70% होगा सॉल्यूशन में और ये 30% होगा, बराबर है क्या। बाकी आपको कैसे परसेंटेज आया वो नहीं पूछेगा, मेजर और माइनर बस पूछेगा। बस मैं डेटा इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ पाओ कि मेजर है और ये माइनर है, मेजर और माइनर हम लॉजिकल डिसाइड करेंगे। तो ये मेरे को बताओ क्या ये आप समझ पाओगे कि इलिमिनेशन के थ्रू जाना है, फिर आप ये समझ पाओगे कि E1 के थ्रू जाना है कि E2 के थ्रू जाना है, क्या रिएजेंट से पहचान हो जाएगा, अल्कोहलिक केएच लिखा रहेगा, इथेनॉल और हीटिंग लिखा रहेगा, ठीक है, यहां पर C2H5ONa लिखा हुआ है और अल्कोहल लिखा हुआ है, ये देख के पहचान लोगे कि ये हमें जाना है। तो एक खुद से भी शॉर्ट नोट्स में लिखना कि ये अगर हमारे सामने आ जाए, ये हमारे सामने आ जाए तो हमें इलिमिनेशन करवाना है, और इलिमिनेशन करवाने के बाद तब हमें मेजर और माइनर डिसाइड करना है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा इलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद इलिमिनेशन में दो E1 की E2। अब E1 में कार्बोकेटाइन बनता है और E2 में नहीं बनता है। अब कार्बोकेटाइन बनने से तीन चीजें, शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सोचेंगे और मेजर और माइनर के बारे में सोचेंगे, बराबर है क्या। तो ये चीजें लिंक करो एक दूसरे से लिंक करो तब आएगा। तो हमारा ये एल्कीन बनने का तरीका पहला प्रोसेस समाप्त हो गया, और यही इस बार नीट में क्वेश्चन इससे पूछा था, नीट में सब रिएक्शन नहीं पूछा था, बोला था कि डी हाइड्रोहैलोजिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं, अल्फा बीटा इलिमिनेशन के नाम से जानते हैं, एक रिएक्शन देकर ऐसे पूछा हुआ था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था वो, बट हम यहां पर हमने मैकेनिज्म हमने E1 वाला देख लिया। अब हम चलते हैं फ्रॉम अल्कोहल से, अल्कोहल वाला ही पढ़ा चुका हूं, याद होगा इलिमिनेशन में मैंने दोनों पढ़ाया था, अल्कोहल से भी डबल बॉन्ड बनाना बताया था और एल्काइल हैलाइड से भी डबल बॉन्ड बनाना सिखाया था मैंने। तो अब हेडिंग डाल लो अल्कोहल, पेज नंबर आ जाओ किस पे, 5 पे, 1 2 3 4 5, पेज नंबर 5 पे आ जाओ पीडीएफ के, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनेगा पहले मैं एक बता दे रहा हूं, फिर थ्योरी पढ़ रहा हूं। हमने यहां पर लिया हाइड्रोजन और यहां हमने लिया OH, अल्कोहल हमने लिया, ठीक है, और यहां पर हमने लिया एसिड और हीटिंग करवा दिया। एसिड के बारे में हमने आपको बताया था, एसिड कौन कौन हम ले सकते हैं याद होगा, इलिमिनेशन में पढ़ा चुका हूं। ये एसिड में स्ट्रॉन्ग लेते हैं H2SO4 लेते हैं या तो H3PO4 लेते हैं, हाँ HCl नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं मैं आपको बताया था, यहां बल्कि वाला लेना होगा और स्ट्रॉन्ग लेना होगा, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग लेना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों स्ट्रॉन्ग लिया वो भी बताया था यहां, और फिर से बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में मैं बता दूं, यहां से जो H+ अटैक करेगा, मैकेनिज्म हो चुका है हमारा,
एच प्लस अटैक करेगा यहां पे, यहां लोन पेयर है ठीक है, तो कुछ ये ऐसा बनेगा, ये मैकेनिज्म मैंने E1 में बता चुका हूं, ये कुछ ऐसा बनेगा यहां प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर वाटर क्या करेगा इसको डोनेट कर देगा, बराबर है। और ये यहां से अब क्या होगा, यहां से अब ये वाटर अपना तोड़ के निकलेगा, तो तोड़ के निकलेगा तो या तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, अगर स्टेबल रहा तो बनेगा, नहीं रहा तो नहीं बनेगा। अब क्या होगा, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन जो है यहां से टूट के निकलेगा, अगर स्टेबल होगा तो बनेगा, यहां तो नहीं बनेगा तो उसी समय टूटेगा, उसी समय डबल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा। तो ये हमने आपको मैकेनिज्म लिख के दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म मैंने लिख के दे दिया हूं, बट आपको जो है यहां पर एक चीज ध्यान रखना है यहां पे कि एसिड जो है वो H3H2SO4 और H3PO4 स्ट्रॉन्ग लेना है। अब मैं इसके पेज नंबर 5 को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। हीटिंग ऑफ अल्कोहल विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड टू टेम्परेचर अबाउट 470 केल्विन और पासिंग दी अल्कोहल वेपर ओवर एल्यूमिना। हम एल्यूमिना के भी प्रेजेंस में काम इसको रिएक्शन करवाते हैं, Al2O3 एल्यूमिना मेटलर्जी में, तो वेपर फेज में एल्यूमिना भी इसको क्या करता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है ठीक है, क्योंकि ये लुइस एसिड का काम करता है, यहां पर लुइस एसिड वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, हालांकि एम्फोटेरिक है लेकिन यहां पर लुइस एसिड का काम करेगा। एट 620 टू 670 केल्विन फ्रॉम एल्किन। तो कहने का मतलब रिएजेंट ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं ठीक है। आगे देखना, द रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बीटा इलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बीटा इलिमिनेशन सिंस OH ग्रुप इज टेकन आउट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन, यानी यहां से OH और यहां से बीटा से हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा ठीक है, और क्या बनेगा, और एल्किन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ठीक है। नीचे मैंने रिएक्शन लिख के दिया हूं और ये रिएक्शन E1 E2 में भी पढ़ाया था, तो आप कल इसको थोड़ा देख के आना पेज नंबर 5 पे, उसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे आपका वेसिनल डाइहेलाइड और जेमिनल जेम, तो हम कल बात करेंगे। टेम्परेचर आस्क इन एग्जाम, देखो अगर बोर्ड में लिखोगे, बोर्ड में अगर लिखोगे तो बोर्ड में लिखना पड़ेगा, और खैर ये तो 11 का पार्ट है तो आपको बोर्ड से अभी तो कोई लेना देना नहीं है, तो बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, बाकी कंपटीशन के लिए कोई टेम्परेचर का लिखना जरूरी नहीं है। तो कल एल्कोहल वाला पार्ट आप पढ़ के आना, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा एल्कोहल वाला पार्ट। अभी मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म पहले ही बता चुका हूं, E1 E2 में जाके देखना, सारा मैकेनिज्म वहां डिटेल में बताया था हमने, तो ये मैकेनिज्म वहां पर आप देखना।